एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे अ पिंच ऑफ स्नफ, एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि मनोहर मलकावकर द्वारा लिखी गई थी। सो ये हमारे क्लास 12 बिहार बोर्ड में हमारे इंग्लिश का चैप्टर 3 है, रेनबो का। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी और इसकी एंडिंग अनएक्सपेक्टेड है। तो हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं और इस कहानी को मैं वैसे ही नरेट करूँगी, वैसे ही बताऊँगी जैसे ये आपकी बुक में है। तो इस कहानी में दो कैरेक्टर हैं, पहले है नरेटर जो इस कहानी को बताते हैं और वो है इस कहानी के राइटर मनोहर मलगांवकर ही इस कहानी के नरेटर हैं। सेकंड कैरेक्टर है उनके नरेटर के मामा जिनका नाम है नानू काका। एक बहुत अच्छे और बहुत समझदार इंसान है, दिमाग इनका बहुत तेज चलता है और बहुत ही ज्यादा शातिर किस्म के इंसान है और अपने काम को मनवा ही लेते हैं किसी तरह। तो हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। अब हमारी कहानी हमें नरेट करते हैं हमारे नरेटर मनोहर मलगांवकर। वो कहते हैं, माँ ने मुझे बताया कि नानू काका मामा आ रहे हैं। मैंने उनसे बोला, हे भगवान, ये नहीं हो सकता, क्या हम उन्हें टेलीग्राम भेज दें कि मेरा ट्रांसफर हो गया है। माँ बोली, अरे नहीं, अब तक तो वो ट्रेन में भी बैठ गए होंगे, वैसे वो ज्यादा दिन के लिए नहीं रुकेंगे, वो 2-3 दिन में ही चले जाएंगे। मैंने पूछा कि इतनी गर्मी में वो दिल्ली क्यों आ रहे हैं। माँ ने कहा कि वे किसी वेलफेयर मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं, इसलिए वो दिल्ली आ रहे हैं। तो चलो मैं अपने बारे में बता देता हूँ, यानी नरेटर कहते हैं मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि मैं एक अंडर सेक्रेटरी हूँ प्रोबेशन पे। तो प्रोबेशन कहते हैं जब हमें किसी को भी नई नई सरकारी नौकरी मिलती है तो उसको तौर तरीके सिखाया जाता है, अभी वो सीखने के दौर में होता है। तो न्यू नौकरी थी उनकी, तो वो थे अंडर सेक्रेटरी हमारे नरेटर। तो वो ये कहते हैं कि मुझे ट्रेन इस तरह से किया गया है कि मुझे ये कहा गया है कि मैं मिनिस्टर्स को भगवान से 2 कदम ऊँचा रखूँ और सेक्रेटरीज को 1 कदम ऊँचा रखूँ ईश्वर से, ठीक है। वो ये कहते हैं, तो वो कहते हैं कि खैर मैं प्लेटफॉर्म यानी मैं रेलवे स्टेशन पे गया और मैं वहाँ प्लेटफॉर्म पे पहुँच के मैं इंतज़ार कर रहा था अपने मामा का, तभी ट्रेन आई और नानू काका जो थे सेकंड क्लास डब्बे के दरवाजे में खड़े थे। ट्रेन आई और जो मेरे नानू काका थे वो सेकंड क्लास के डब्बे के दरवाजे पे खड़े थे। उनके सफ़ेद बाल थे, रौबदार मूछें थी और वो अभी भी ओल्ड फैशन पुराने ज़माने वाले कपड़े पहनते थे। उनका जो कोट था वो घुटने ही तक का था और काले रंग का वो कोट पहने थे। सर पर सुर्ख लाल रंग का सिल्क की पगड़ी थी और सफ़ेद अंगोछा भी कंधे पे था। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा और मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे एक बास्केट थमा दी और बोले, तुम चलो बाहर स्टेशन की, मैं आता हूँ। अब बाहर आते समय मेरी टक्कर एक मालवाड़ी महिला से हो गई। मैंने उससे माफ़ी मांगी, तभी बास्केट में से बिल्ली के बच्चों की चिल्लाने की आवाज़ आ गई। अब नानू काका मेरे पास बहुत लंबे समय के बाद आए और जब वो आ रहे थे तो उनके साथ में टीसी भी था और वो दोनों कुछ खुशफुसाहट कुछ बातें भी करते हुए आ रहे थे और फिर टीसी जो था वो चला गया, जो टिकट कलेक्टर होता है वो चला गया। अब नानू काका मेरे पास आके बोले कि मेरे पास 3rd क्लास का टिकट था, लेकिन मैंने उस 3rd क्लास के टिकट से 2nd क्लास में सफ़र किया, लेकिन टीसी ने मुझे पकड़ लिया, लेकिन मैंने मामला संभाल लिया क्योंकि टीसी भला आदमी था, कोई परेशानी नहीं हुई और मैंने अपनी जुगलबाजी से अपनी चालाकी से मैंने उसको मना ही लिया। खैर हम कार में बैठे ही थे कि नानू काका बोले कि तुमने मिनिस्टर से मिलने के लिए मेरी अपॉइंटमेंट अरेंज कर दी। मैंने कहा, देखो मामा, मैं सिर्फ एक अंडर सेक्रेटरी हूँ और वो भी प्रोबेशन पर, और मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट अरेंज करना मेरे बस की बात नहीं। नानू काका ने कहा, अच्छा चलो कोई बात नहीं। उन्होंने एक चुटकी स्नफ, यानी स्नफ क्या होता है, एक तंबाकू जैसा पाउडर तंबाकू होता है जो नाक के जरिए लिया जाता है, ना कि उसे स्मोक किया जाता है। तो उन्होंने जो स्नफ था अपने नाक में लिया और मुंह में डाल के वो आंखें बंद करके, मतलब मुंह में डालते थे वो स्नफ, तो मुंह में डाल के वो आंखें बंद करके वो गहरी सोच में पड़ गए। अब कार जो थी घर पहुंची तो माँ दरवाजे पे थी, उनके चेहरा एकदम खुशी से खिला था, आखिरकार उनके जो भाई जो आए थे। अब नानू काका को मेरा कमरा दे दिया गया और मेरे सोने के लिए जो चारपाई थी वो आंगन में लगा दी गई। अब शाम को जो थे हम, मैं नानू काका, मैंने 2 दिन की छुट्टी ले ली थी क्योंकि माँ ने मुझसे कहा था। तो शाम को मैं नानू काका को मिनिस्टर से मिलाने ले गया क्योंकि उन्हें कुछ काम था वेलफेयर मिनिस्टर से। अब वो अंदर गए, उस जो जगह थी वो जहाँ पे मिनिस्टर्स रहते हैं बिल्डिंग में, तो वो अंदर गए, मैं गाड़ी की जो पार्किंग थी उसी में मैं इंतज़ार करता रहा। करीबन 2 घंटे के बाद वो वापस आए और वो कुछ बड़बड़ा रहे थे, बड़े गुस्से में वो कुछ बड़बड़ा रहे थे और मराठी में वो बहुत सारी गालियाँ दे रहे थे। फिर उन्होंने मुझे बताया
बताया कि 2 घंटे से मुझे अंदर क्या कर रहे थे, चपरासी, एक चपरासी से मुझे दूसरे चपरासी को भेज रहे थे, और आखिरकार मुझे डिप्टी सेक्रेटरी के पास भेजा गया, और फिर उस डिप्टी सेक्रेटरी ने मुझे अपॉइंटमेंट दिया मंत्री से मिलने का, और पता है कितने दिन का, 3 दिन बाद का मुझे अपॉइंटमेंट मिला है, और फिर से वो गालियाँ देना उन्होंने मराठी में शुरू कर दी। अब क्योंकि वो कह रहे थे कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है 3 दिन का, तो खैर हम जो पीली गाड़ी में, हम जब हम अपनी गाड़ी में बैठे ही थे, हम हल्का हल्का आगे बढ़ रहे थे कि तभी एक पीले रंग की स्पोर्ट्स कार बड़ी शानदार गाड़ी आके रुकी, और उसमें वो हॉर्न मारने लगी जोर जोर से, और उसमें एक जो जवान आदमी था अंदर बैठा हुआ, वो मुझे देख के हाथ हिलाने लगा। अब नानू काका बोले, कितना बदतमीज आदमी है। मैंने कहा कि अरे ये रतिराम है, ये मेरा ही साथ काम करता है, और हम सेम मिनिस्ट्री में हम काम करते हैं, और आपको पता है ये दिल्ली पार्टी का एक लीडर है, ये उनका सोहन लाल रतिराम का बेटा है, तो ये दिल्ली पार्टी के एक लीडर है, तो सोहन लाल रतिराम उनका बेटा है, तो वो एक बड़े से लीडर है, उनका बेटा है। तो नानू काका को ये बात सुनकर एक बहुत ज़्यादा झटका लगा। फिर मैंने उन्हें एक और चीज़ बताई, बातों बातों में मैंने उसे बता दिया कि एक्चुअली और ये जो इंसान है ना, ये रतिराम, इसकी जो नौकरी है, ये जो हज़रत बरकत अली हैं जो एम्बेसडर हैं, इनके अंडर इसको काम सौंपा गया है कि ये फिर वहाँ जाएगा बाहर और फिर इनके अंडर वो काम करेगा। अब नानू काका ये बात सुन के और ज़्यादा उन्हें झटका लगा, और वो ऐसा लगा जैसे सीट पे, वो पीछे की सीट पे टेक लगा कर वो मुझे घूरने लग गए। अब वो बोले कि घर चलकर तुम क्या करना, जोधपुर का जो कोट है ना तुम्हारे पास, वो तुम पहनना और पगड़ी भी तुम पहनना, और फिर हम लाला सोहन लाल से मिलने जाएंगे, मतलब सोहन लाल जो इस जो लड़का अभी मिला था ना, जो हाथ हिला रहा, उसी का बाप है जो एक लीडर है, तो कहता हम उससे मिलने जाएंगे। मैंने पूछा अरे आप उन्हें जानते भी हैं, तो वो बोले नहीं बिल्कुल भी नहीं जानता, बस हम उनके घर में जाएंगे। अब ज़बरदस्ती उन्होंने मुझे तैयार करवाया, मैं घर गई तो मैंने कपड़े बदले, वो कोट पहना ऑरेंज कलर की खूब चमकदार, वो मैंने पगड़ी बांधी, और हम सोहन लाल के घर की ओर निकल पड़े। अब जब लाला सोहन लाल के घर हम पहुंचे तो सेक्रेटरी ने हमें रिसीव किया और एक कमरे में हमें बिठा दिया और हमसे आने का कारण पूछा। अब नानू काका बोले कि मैं दिल्ली से आया हूँ, जमींदार के सम्मेलन में कोई मीटिंग होने वाली है, जमींदार की कोई सम्मेलन, कोई सभा होने वाली है, तो उसका हिस्सा मैं बनने आया हूँ, और मैंने सोचा कि लाला जी, यानी वो लाला जी कह रहे थे, लाला जी, लाला सोहन लाल से मैं मिल लूँ और उन्हें बहुत सारे अरेंजमेंट्स के बारे में बताऊँ जो हम जमींदार ने किए, यानी वो फेंक रहे थे लंबी लंबी, वो कतई भी नहीं जानते थे कि लाला सोहन लाल कौन है, और वो कह रहे थे कि नहीं हम तो मीटिंग करने आए हैं और मैं उनसे बस बताना चाहता हूँ और उनसे डिस्कस करना चाहता हूँ अरेंजमेंट्स के बारे में और एग्रीकल्चर वोट्स वगैरह के बारे में वो बात करने लग गए। अब नानू काका इतनी ज़्यादा लंबे लंबे छोड़ रहे थे कि वो जो सेक्रेटरी था ना, वो बिल्कुल खुश नहीं कर पा रहे थे उस सेक्रेटरी को। तो सेक्रेटरी बोला कि हाँ मैं देखता हूँ कि लाला जी फ्री हैं कि नहीं। अब लाला जी बगल के ही कमरे में बैठे थे और उनके हुक्का पीने की आवाज़ आ रही थी, और जब सेक्रेटरी उनके पास गया तो वो सेक्रेटरी और लाला जी के बीच जो बातें हो रही थी वो भी हमें इस कमरे में सुनाई दे रही थी हल्की हल्की कि वो क्या बातें कर रहे हैं। अब नानू काका ना बहुत ज़ोर से जानबूझ के इतनी ऊँची आवाज़ से बोले कि आज कौन सा दिन है, तो मैंने बोला मंगलवार, मैंने बताया मंगलवार का दिन, तो और जोर से कहने लगे अच्छा मंगलवार है आज, संडे को तो मैं बेरूत में था। इतनी लंबी लंबी छोड़ रहे थे ना कि मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, मैंने बड़ी मुश्किल से बैठा था मैं वहाँ पे। अगर मैं हज़रत बरकत अली, यानी वो हज़रत बरकत अली वो जो एम्बेसडर था ना, उसके बारे में बात करने लगे कि वो अगर जो हज़रत बरकत अली अगर वो होते ना, तो एक बारी तो वो मुझे फॉरेन मिनिस्टर से मिलाने ले जा रहे थे, मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ हज़रत बरकत अली को, और वो फॉरेन में थे तो वो मुझे फॉरेन मिनिस्टर से भी मिलाने ले जा रहे थे, लेकिन मैं बड़ी मुश्किल से मैं हज़रत अली, मतलब हज़रत अली को मैंने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, बिल्कुल भी नहीं जाना। और जब हज़रत अली का, हज़रत बरकत अली का नाम उन्होंने सुना ना, जो बगल में जो मिनिस्टर बैठे, जो बगल में वो जो लीडर बैठे थे, तो वो बिल्कुल बिल्कुल उनके जो हुक्के की आवाज़ थी वो बिल्कुल रुक गई। अब नानू काका आगे भी बोलने लग गए, तो नानू काका मुझसे बोले कि क्या कहा तुमने कि मैं वहाँ रुका क्यों नहीं, हज़रत बरकत अली के पास में क्यों नहीं रुका, मतलब मैंने तो कुछ पूछा ही नहीं था, वो फालतू में अपने आप बोले जा रहे थे, तो फिर खुद ही का सवाल पूछ के कहे कि मैं क्यों नहीं रुका हज़रत बरकत अली, क्या फिर खुद ही बोलने लग गए कि मैं इसलिए नहीं रुका क्योंकि मुझे
पिछली बार मैं रुका था तो वो मुझे किसी कॉटन में होने वाली मीटिंग में ले गए थे, फिर वहाँ उन्होंने मुझे इन्वॉल्व कर लिया था। और मुझे हज़रत बरकत अली जो एम्बेसडर थे उनको जो ये हमारे नानू काका है वो ना HB करके बुला रहे थे, तो इस तरह से वो मतलब लंबी लंबी हाँके जा रहे थे। अब उसी वक्त जो थे लाला सोहनलाल रतिराम जो मतलब वो लीडर था ना वो बगल में जो बैठे थे वो फटाफट से आ गए हमारे पास और बड़े प्यार और नम्रता से दोनों ने मुलाकातें की और खूब बातें करी, छोटी मोटी बातें वेदर की मौसम की और ऐसी वैसी इधर उधर की बातें करी। फिर सेक्रेटरी को भेजा गया कि भाई तुम कॉफ़ी मिठाई लाने के लिए उसको भेजा गया। अब फिर सोहन लाल ने मुस्कुराते हुए पूछा कि अच्छा अब हज़रत बरकत अली जो एम्बेसडर है उन्हें आप जानते हैं क्या? अब नानू काका बोले अच्छा HB हाँ उन्हें तो मैं जानता हूँ, उन्हें तो मैं स्कूल के वक्त से जानता हूँ, वो मुझे बड़े भाई के समान मानते हैं और आज भी बड़े फैसले लेने से पहले वो मेरी सलाह लेते हैं। मतलब इतनी लंबी लंबी छोड़ रहे थे क्या बताऊँ। और जब प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें एम्बेसी का ऑफर दिया था ना तो उन्होंने मुझसे मेरी राय पूछी थी। अब सोहनलाल ना मुस्कुरा पड़े और उनके पीले पीले जो दांत थे ना तंबाकू के वो नजर आ रहे थे। अब सोहनलाल बोले आज तो बड़ा लकी दिन है कि आज ना आप हमारे घर पधारे हो। आपको पता है कि मेरा जो बेटा है वो ट्रेड कमिश्नर के तौर पर वो हज़रत बरकत अली जो एम्बेसडर है उनके अंडर काम करेगा, लेकिन किसी ने जो एम्बेसडर है हज़रत बरकत अली उनके कान भर दिए हैं कि मेरा बेटे ने कुछ गड़बड़ करी है, किसी काम में गड़बड़ करी है जो कि बिल्कुल गलत है। मेरे बेटे ने किसी भी काम में कोई गड़बड़ नहीं करी। तो नानू काका बोले अरे अरे मैं HB को खत लिख के मैं सब बातें बता दूंगा कि आपका बेटा बिल्कुल ठीक है और लोग उसको फंसा रहे हैं, मैं अच्छे से HB को लिख के मैं बता दूंगा आपके बेटे के बारे में, आप चिंता मत करें। अब सोहनलाल बड़े खुश हो गए, बहुत ज़्यादा खुश हो गए। अब फिर नानू काका ने ना वेलफेयर मिनिस्टर का नाम लिया। अब नानू काका ने वेलफेयर मिनिस्टर का नाम क्यों लिया? क्योंकि नानू काका वेलफेयर मिनिस्टर से ही मिलने दिल्ली आए थे और जिनके लिए उसे अपॉइंटमेंट की थी 3 दिन बाद मिली थी। अब देखते हैं वो क्या करेंगे। अब नानू काका ने वेलफेयर मिनिस्टर का नाम लिया और जैसे ही नानू काका ने वेलफेयर मिनिस्टर का नाम लिया सोहन लाल का ना मुंह एकदम बिगड़ गया, जैसे सड़ा हुआ सा मुंह बना लिया उन्होंने, गंदा सा मुंह जैसे कोई दुश्मन का नाम सुन के मुंह बना लेते हैं। अब सोहन लाल बोले अच्छा आप वेलफेयर मिनिस्टर को जानते हैं? तो नानू काका बोले नहीं मैं जानता नहीं हूँ, बस ऐसे ही मैंने वेलफेयर मिनिस्टर का नाम ले लिया। तो सोहन लाल बोले अच्छा अच्छा ठीक है, थोड़ा उन्हें आराम आया। वो बोलने लगे कि वैसे ये जो आदमी है ना ये वेलफेयर मिनिस्टर बड़ा ही एहसान फरामोश आदमी है, मैंने उसे टिकट दिलाया था पार्टी का और उसकी बहुत मदद की और बदले में मुझे क्या मिला? तो बाद में पता चला, मतलब ये उनकी बातों से पता चला कि जो सोहन लाल और जो वेलफेयर मिनिस्टर हैं कभी वो बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे, बहुत ही करीबी दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब बिल्कुल जानी दुश्मन है दोनों, एकदम जानी दुश्मन बन गए हैं। क्योंकि हुआ क्या था, पिछले साल लाला सोहन लाल ने अपने बेटे का रिश्ता मिनिस्टर साहब की बेटी के लिए भेजा था, ठीक है? लाला सोहन लाल चाहते थे कि उनका बेटे की शादी मिनिस्टर की बेटी से हो जाए, लेकिन भाई मिनिस्टर साहब ने सोहन लाल के बेटे का रिश्ता ठुकरा दिया क्योंकि उन्हें कोई राजकुमार चाहिए। तो अब जो है हमारे सोहन लाल है वो कहते हैं कि अरे उसे तो कोई राजकुमार चाहिए, मेरे बेटे का रिश्ता ठुकरा दिया, इतनी बेइज्जती करी हमारी। और फिर वो कहते हैं अच्छा कहाँ पे हो रही है शादी? वो कहता है कोई निन्नौर गांव के, निन्नौर नाम का एक राज्य है, एक रियासत है, मतलब एक स्टेट है, कोई वहाँ पे जो है उनकी शादी, उनकी बेटी की शादी तय हुई है, निन्नौर नाम का एक राज्य है। तो वो कहते हैं कि अभी अभी जन्म कुंडली भी नहीं मिलाई गई दोनों तरफ से, मुझे लगता है तो शादी भी नहीं होगी क्योंकि जब जन्म कुंडली ही नहीं मिली तो शादी कहाँ से हो सकती है। तो खैर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे तो ऐसा लगा था कि बहुत ज़्यादा भड़ास दोनों में हो रही है। तो फिर हम घर आ गए, मतलब घर आने के लिए हम निकले। तो जब हम घर आने के लिए निकले तो फिर से उन्होंने वेलफेयर मिनिस्टर को बोला कि हाँ हाँ तुम्हारे बेटे का जो काम है हम कर देंगे, मैं उन्हें HB को लेटर लिख दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। अब नानू काका ने मुझसे कहा, हम आ गए घर दिन। अब अगले दिन सुबह जब हुई ना तो नानू काका ने कहा कि आज हम वेलफेयर मिनिस्टर के घर जा रहे हैं। अब मैंने साफ मना कर दिया कि मुझे वेलफेयर मिनिस्टर के घर भाई जाना ही नहीं है, तुम पता नहीं किस किस मिनिस्टर के घर ले जा लेते हो, तुम्हें खुद तो पता नहीं होता, मुझे भी फंसा देते हो। तो मैंने मना करा लेकिन भाई ज़बरदस्ती उन्होंने मुझसे कहा नहीं तुम चलोगे। अब नानू काका ने कहा कि तुम्हारी गाड़ी बड़ी छोटी है, बहुत खटारा है, हमें इतने बड़े मिनिस्टर के घर जा रहे हैं तो हमें कोई बढ़िया रॉयल गाड़ी का इंतज़ाम करो भाई, तुम्हारे पास तो है नहीं लेकिन तुम इंतज़ाम करो। तो मैंने कहा कि यहाँ पे एक शॉप है और उसमें बहुत एक अच्छी गाड़ी आ रखी है, बहुत ही रॉयल गाड़ी है, वो कोई बाहर विदेशी गाड़ी है, बहुत बड़ी बहुत खूबसूरत। तो नानू काका बोले हाँ हाँ बस बस वही गाड़ी हमें चाहिए, उसी गाड़ी में हम बैठ के वेलफेयर मिनिस्टर के घर जाएंगे।
अब हम जो थे हमने तो ननु काका बोले कि हम उससे कहेंगे जो जो शॉप पे जाके कि हमें भाई ये गाड़ी खरीदनी है और ट्रायल राइड चाहिए हमें, कि हमें ट्राई करनी है गाड़ी, और फिर जब हम ट्रायल राइड लेंगे तो हम वेलफेयर मिनिस्टर के घर में आ जाएंगे और फिर हमारा काम हो जाएगा। तो फिर उन्होंने बोला कि लेकिन अगर हम खरीदेंगे ठीक है, तो नानू काका बोले ये सब काम मुझ पे छोड़ दो, मैं देखूंगा कि हमें ट्रायल पे कैसे राजी करना है उन्हें फ्री में। तो नानू काका बोले अगर हम अमीर देखेंगे तो हमारे जाल में वो फंस जाएंगे, क्योंकि मोटर कार्स वाले जो लोग होते हैं ना, बड़े दलाल होते हैं, अमीरी दूर से ही ये पहचान लेते हैं। तो नानू काका ने अब क्या कहा कि भाई मुझ पर छोड़ दो। अब नानू काका ने एक चेकबुक निकाली और उस चेक में एक चेक लिखा 1,000 रुपये का, और फिर उन्होंने क्या किया उस चेक को फाड़ा और अपना एक पुराने कोट की जेब में वो चेक डाल दिया, और फिर उन्होंने कहा कि धोबी को बुलाओ। अब धोबी को बुलाया गया और मामा ने वो जो कोट था जिसमें वो 1,000 का चेक डाला था, वो कोट उन्होंने उस धोबी को दे दिया, और बाहर जाके उससे कुछ खुशबूस कुछ बात करने लग गए। अब बात हो गई और फिर हम क्या गए, हम उस गाड़ी वाली के शॉप पे गए जहाँ पे हमें वो उस गाड़ी में वो गाड़ी लेनी थी। अब हम जब उस मैनेजर से हम बोले कि हाँ हमें वो सबसे जो बढ़िया रॉयल गाड़ी है, और हम खुद अच्छे टाट बाट से गए एकदम बढ़िया बन के गए, तो हमने उस मैनेजर को बोला कि हमें जो ये रॉयल गाड़ी है, जो विदेशी गाड़ी है, ये वाली गाड़ी है, हमें भाई ये वाली गाड़ी खरीदनी है, तो क्या आप हमें ट्रायल पे ये गाड़ी देंगे। तो ऐसे ही हमारी बात चल ही रही थी कि बीच में ना धोबी आ गया। धोबी हाफता हुआ दुकान में आया और एकदम दुकान में घुसा और कहा नानू काका को देख के कहा कि अरे आप यहाँ पे हैं, और एक हाथ में उसके क्या था, एक पुराना कोट था नानू काका का, और दूसरे हाथ में एक चेक था जो वो लहरा के दिखा रहा था। अरे अरे ये आपका चेक है, ये आप जो थे इस कोट में आपका ये चेक भूल गया, आप भूल गए थे। अब नानू काका ने चेक लिया और बोले ओह कितना लापरवाह हो गया हूँ मैं, देखो कितने पैसों का चेक मैं कोर्ट में भूल गया, अगर कोई इसको कैश करा लेता तो कितना नुकसान हो जाता, लेकिन तुम भले आदमी हो, तुमने मुझे बचा लिया। और उसे 2 रुपये देते हुए कहा कि ये लो तुम्हारे ईमानदारी के लिए मैं तुम्हें ये 2 रुपये दे रहा हूँ। अब अपनी अमीरी का ढोल पीटने के बाद हमें कार आसानी से मिल गई, क्योंकि उन्होंने सोचा कि भाई ये तो बड़े अमीर हैं, तो अब हमें रॉयल सी गाड़ी वो मिल गई। अब हम गाड़ी में बड़ी शान से हम बैठे, उस रॉयल गाड़ी में बैठ के हम शान से वो वेलफेयर मिनिस्टर साहब के घर पहुंचे। अब नानू काका जब वहाँ पहुंचे तो वहाँ सेक्रेटरी था, तो वो पूछने लग गया कि भाई आप क्यों आए हो, किस कारण आए हो, क्यों। और हाँ एक बात और कि जो नानू काका थे वो पंडित एक ज्योतिषी के वेश में गए थे, ऐसा लगे देखने में कि हाँ वो ज्योतिषी है। अब जो हमारे नानू काका थे, जब मैं और नानू काका हम वहाँ पहुंचे, तो जो सेक्रेटरी था उस वेलफेयर मिनिस्टर का, ऑफकोर्स जाने से पहले सेक्रेटरी पूछता है कि आप कहाँ मिलने आए हो, क्यों आए हो, तो वो मुझसे हमसे मिलने का कारण पूछने लग गया। अब नानू काका ने नहीं बताया कि हम क्यों आए, उन्होंने बस कहा कि भाई मुझे विजिटर्स बुक ला के दो, मैं इस पर लिख देता हूँ कि मैं क्यों आया हूँ, मैं कौन हूँ, जिसमें वो भरते हैं कि हम क्या क्या करने आए हैं यहाँ पे। तो वो बोले कि मैं मिनिस्टर साहब को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, मैं तो बस एक फॉर्मेलिटी पूरी करने आया हूँ, रॉयल खानदान की निन्नौर की तरफ से मैं आया हूँ। और फिर उन्होंने लिखा विजिटर बुक में लिखा कि पैतृक जो जोशी, यानी हम निन्नौर के जो राजा हैं उसका मैं पैतृक जोशी हूँ, मतलब सदियों से हम उसके यहाँ ज्योतिषी, मेरे बाप भी उनके यहाँ ज्योतिषी थे, दादा भी थे, और मैं भी उनके यहाँ जो राज्य है निन्नौर उनके यहाँ का मैं ज्योतिषी हूँ, और मैं महाराजा और निन्नौर का अभी ज्योतिषी हूँ। और फिर उन्होंने ये सब लिखा और जो दिल्ली के घर का मेरे घर का जो था एड्रेस दे दिया, क्योंकि ऑफकोर्स अभी वो वहीं पे रह रहे थे हमारे साथ। और जल्दी जल्दी हम गाड़ी में बैठने लगे और बोले कि मुझे, मतलब ज़ोर से बोलने लग गए कि मुझे महाराजा सुटकट्टा के महल में ले चलो, ठीक है, और वहाँ मुझे उनकी बेटी की जो जन्म कुंडली है वो मुझे उन्हें वापस करनी है, क्योंकि उन्होंने मुझे दी थी कुछ मेल जन्म कुंडली मनाने के लिए, कुछ ऐसा उन्होंने बोला। अब जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी तो हमने देखा कि ऊपर से जो वेलफेयर मिनिस्टर साहब है ना, वो झांक रहे थे कि भाई गाड़ी में तो कोई जो जिस जगह पे मेरी बेटी का रिश्ता होने वाला है वहाँ पे ये लोग हैं, मतलब वहाँ वहाँ की उस राज्य के ये ज्योतिषी हैं, तो वो ऐसे देखने लग गए, ठीक है। अब अगले दिन ही जो वेलफेयर मिनिस्टर साहब थे वो हमारे घर पधारे, हमारे घर आए, और मिनिस्टर साहब और नानू काका के बीच बहुत सारी बातें हुई, और उनका जो, मुझे ये नहीं पता चल पाया एक्चुअली में कि नानू काका को मिनिस्टर, वेलफेयर मिनिस्टर से क्या काम था। खैर उनका मिशन तो पूरा हो गया था ना, उनका मिशन तो क्या था, उनका मिशन था कि वो वेलफेयर मिनिस्टर से मिले, और वो 3 दिन बाद मिलते अभी उनका काम हो गया। और उन्होंने ऐसी तरकीबें लड़ाई कि भाई वेलफेयर मिनिस्टर ही उनके घर पे आके क्या कर गया, उनके घर पे आके बात कर गया।
और उनका मिशन पूरा हो गया। यानी कितनी चालाकी से उन्होंने कितना दिमाग लगाया और क्या किया कि वेलफेयर मिनिस्टर को मजबूर कर दिया कि वो उनके घर नानू काका के घर आके वो बात करके चले गए। उन्हें जाना नहीं पड़ा, ना ही उन्हें 3 दिन इंतजार करना पड़ा, सब ये एक डेढ़ दिन में ये पूरा हो गया। अब नानू काका तो अपना काम करके रवाना हो गए अपने घर। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या होगा जब वेलफेयर मिनिस्टर को पता चलेगा कि मेरे मामा निन्नौर तो क्या उसके आसपास के 100 किलोमीटर के बारे में भी नहीं जानते, लेकिन मुझे भरोसा है कि मेरे जो मामा है नानू काका ये सब होने नहीं देंगे क्योंकि बड़े चालाक इंसान है, वो हर तरह की जो है साजिशें वगैरह वगैरह करके वो सारी चीज़ें अपने काम कर लेते हैं। लेकिन कभी ऐसा हुआ ना तो मैं कहीं दूर भाग जाऊँगा कि मैं ना मिलूँ। तो आई होप आपको ये स्टोरी बहुत ही समझ में आई हो, बहुत इंटरेस्टिंग हो। अगर आपको ये बिल्कुल अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और हाँ, मैं बिहार बोर्ड के क्लास 12 इंग्लिश के सारे चैप्टर्स मैं कंप्लीट करी हूँ, तो ज़रूर से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।